आपने देखा कि चुड़ैल कैसे चूड़ियां बनाकर भीमा और कुसुम के परिवार की मदद करती है। और एक दिन जब भीमा चूड़ियां बेचने बाजार जाता है तो चुड़ैल की बनाई हुई सारी चूड़ियां फटाफट बिक जाती हैं। आज तो सारी चूड़ियां बिक गईं। कुसुम और बच्चे बड़े खुश होंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि मेरी सारी चूड़ियां बिक गईं। ऐसा करता हूँ, मैं बच्चों के लिए खिलौने ले लेता हूँ। बच्चे खिलौने देखकर बड़े खुश होंगे। और हाँ, कुसुम के लिए एक साड़ी ले लेता हूँ, उसे बहुत दिनों से दिलाई भी नहीं है। वो देखेगी तो बड़ी खुश होगी। भीमा घर पहुंचकर कुसुम को आवाज देता है। कुसुम, जल्दी आना, तो बहुत अच्छी बात बतानी है। अरे क्या हुआ, आज तो आप बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? तुम सुनोगी तो खुशी के मारे पागल हो जाओगी। ऐसी क्या बात है, बताओ तो जरा। भीमा कुसुम को बताता है कि उसकी आज सारी चूड़ियां बिक गई। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। भीमा कुसुम को सारी कमाई दे देता है। इतने सारे पैसे देख कुसुम बहुत खुश होती है। मुकुल, माया, ये लो तुम्हारे खिलौने। खिलौने? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है पापा। बच्चे खिलौने देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। अब जल्दी से खाना खिला दो, बड़े जोरों की भूख लगी है और नींद भी आ रही है। चुड़ैल भीमा के परिवार वालों को खुश देखकर बड़ी खुश होती है। और जब घर के सभी लोग सो जाते हैं तो चुड़ैल फिर चूड़ियां बनाने लगती है और खुद भी चूड़ियां पहन पहन कर देखती है। और वो रात में ही सारी चूड़ियां बनाकर रख देती है। और अगले दिन भीमा हमेशा की तरह अपनी टोकरी लेकर चूड़ियां बेचने निकल जाता है। और दूसरे गाँव पहुँच कर भीमा आवाज लगाता है, चूड़ियां ले लो, प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले। तभी कुछ औरतें आती हैं और भीमा की देखते ही देखते सारी चूड़ियां बेच जाती हैं। ये देख भीमा मन ही मन बड़ा खुश होता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है। और भीमा घर की तरफ चल पड़ता है और घर पहुँच कर कुसुम को हमेशा की तरह आवाज लगाता है, कुसुम जल्दी आओ, इतने पैसे? हाँ, आज भी हमारी सारी चूड़ियां बिक गईं। अब तो भीमा की चूड़ियों की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और उनकी कमाई भी ज्यादा होने लगती है। एक दिन भीमा कुसुम से कहता है, कुसुम, ये सब तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है। तुम जो इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाती हो। अरे कैसी बातें करते हो, मैं चूड़ियां बनाती हूँ? नहीं जी, मुझे लगा आप चूड़ियां बनाते हो। मैं चूड़ियां नहीं बनाता। तुम चूड़ियां नहीं बनाती तो फिर कौन चूड़ियां बनाकर जाता है, पता कैसे लगाए? उनका ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। चुड़ैल रोज रात को सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाती थी और खुद भी चूड़ियां पहनकर खुश होती। भीमा और बच्चों को खुश होता देखकर चुड़ैल भी खुश होती। एक दिन की बात है, रात का समय था, चुड़ैल चूड़ियां बनाने में लगी हुई थी। तभी मुकुल को प्यास लगती है और वो अपनी माँ को आवाज देता है, माँ, माँ, मुझे प्यास लगी है। कुसुम मुकुल की आवाज नहीं सुनती और मुकुल अपने आप पानी पीने चला जाता है। और वो देखता है कि उसके दूसरे कमरे से चूड़ियों के खनकने की आवाजें आ रही हैं। और मुकुल दूसरे कमरे में चला जाता है और वो वहाँ देखता है कि एक डरावनी चुड़ैल चूड़ियां बना रही है। और वो देखकर डर जाता है और जाकर अपनी माँ को उठाता है, माँ, माँ उठो, माँ उठो। पर कुसुम गहरी नींद की वजह से नहीं उठती और मुकुल चुपचाप अपनी जगह पर सो जाता है। और अगले दिन, माँ, माँ, पता है रात को एक चुड़ैल आंटी हमारी चूड़ियां बना रही थी। क्या बोल रहा है, चुड़ैल वो भी हमारे घर में? कुसुम मुकुल की बात पर जरा भी विश्वास नहीं करती है। रात होती है और घर के जब सभी लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, वो दिन में तो किसी को नहीं दिखती थी पर रात को वो अपने आप को छुपा भी नहीं सकती थी। आज तो मैं ऐसी चूड़ियां बनाऊंगी कि लोग देखते ही रह जाएंगे। चुड़ैल चूड़ियां बनाने में लग जाती है और चूड़ियां बनाते बनाते उसका मन होता है कि वो भी अपने पूरे हाथ भर कर चूड़ियां पहने। और वो हाथ भर कर चूड़ियां पहन लेती है और खुशी के मारे नाचने लगती है और फिर चूड़ियां बनाने लगती है। तभी भीमा को चूड़ियों की आवाजें आने लगती है और वो कुसुम को उठाता है। कुसुम उठो, क्या है, इतनी रात में क्यों जगा रहे हो, इतनी अच्छी नींद आ रही है और तुम मुझे परेशान कर रहे हो। कुसुम उठो। कुसुम उठकर बैठ जाती है। क्या है, बोलोगी? ये आवाज सुनो, चूड़ियों की आवाज। ये हमारे घर में चूड़ियों की आवाज कैसे आ रही है? अरे हाँ, ये तो चूड़ियों की आवाज है। धीरे बोलो, देखते हैं कौन है। भीमा और कुसुम चुपचाप देखने जाते हैं कि ये चूड़ियों की आवाज कौन कर रहा है। और वो दूसरे कमरे की खिड़की से देखते हैं कि एक चुड़ैल उनकी चूड़ियां बना रही है। भीमा और कुसुम चुड़ैल को देखकर बुरी तरह डर जाते हैं पर चुपचाप अपने कमरे की खिड़की से सब कुछ देखते रहते हैं। सारी चूड़ियां बन गई। अब भीमा कुसुम और बच्चों को कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं होगी। ये सब देख भीमा और कुसुम चुपचाप अपने कमरे में आ जाते हैं और दोनों आपस में बातें करते हैं। एजी सुनते हो, ये चुड़ैल तो हमारी मदद कर रही है। हाँ, हमें तो पता ही नहीं चला कि चुड़ैल हमारी मदद कर रही है। इसने जब हमारी इतनी मदद की है तो हमें भी चुड़ैल के लिए कुछ करना चाहिए। भीमा और कुसुम सो जाते हैं और अगली सुबह भीमा अपने काम पर चला जाता है और कुसुम अपने घर के काम में लग जाती है। और शाम को भीमा चुड़ैल के लिए बहुत ही सुंदर साड़ी लेकर आता है और कुसुम भी चुड़ैल के लिए बढ़िया बढ़िया खाना और मिठाई बनाती है। और वो कमरे में चूड़ियां बनाने के सामान की जगह साड़ी, खाना और मिठाई रख देते हैं और चुपचाप कमरे की खिड़की से देखने लगते हैं। तभी चुड़ैल आती है और, अरे ये क्या, आज तो चूड़ियां बनाने का सामान ही नहीं है। और ये क्या, इतनी सुंदर साड़ी और इतना स्वादिष्ट खाना, मिठाई भी। चुड़ैल साड़ी पहनकर बहुत खुश होती है और स्वादिष्ट खाना खाती है। आज तो मजा ही आ गया। चुड़ैल खुशी से नाचने लगती है। चुड़ैल को खुश होता देख भीमा और कुसुम भी खुश होते हैं और अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं।
सुबह हो जाती है, भीम और कुसुम सोकर उठ जाते हैं। चुड़ैल ने हमारी बहुत मदद की है, अब हम चुड़ैल से चूड़ियाँ नहीं बनवाएंगे। हाँ जी, हम चुड़ैल से अब चूड़ियाँ नहीं बनवाएंगे। वैसे भी अब हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अच्छा चलो, अब मैं चूड़ी बेचने जाता हूँ। मैं भी अपना घर का काम कर लूँ। रात को भीम और कुसुम फिर से कमरे में चूड़ी बनाने के सामान की जगह अच्छा अच्छा खाना और मिठाइयाँ रख देते हैं। अरे ये क्या, आज भी चूड़ियाँ बनाने का सामान नहीं है और फिर से इतना सारा खाना और मिठाइयाँ। क्या बात है, चुड़ैल सारा खाना और मिठाइयाँ खाने लगी है। अरे वाह मिठाई में लड्डू, आज तो मजा ही आ गया खाना खाकर। आज तो मैंने ज्यादा ही खा लिया। चुड़ैल अपने हाथों में लाल लाल चूड़ियाँ देखकर बड़ी खुश होती है और फिर से नाचने लगती है। मेरे हाथों में लाल लाल चूड़ियाँ हैं, मेरे हाथों में लाल लाल चूड़ियाँ हैं। भीम और कुसुम चुड़ैल को नाचते और खुश होते देखकर बड़े खुश होते हैं और वो दोनों अपने कमरे में चुपचाप जाकर सो जाते हैं। और अगले दिन इस चुड़ैल ने हमारी और हमारे बच्चों की बहुत मदद की है। ये चुड़ैल तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई है, नहीं तो हम भूखे ही मर जाते और पता नहीं हमारा क्या होता। हमें भी चुड़ैल के लिए कुछ करना चाहिए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। हमें किसी विद्वान पंडित जी के पास जाना चाहिए जिससे कि इस चुड़ैल को मुक्ति मिल जाए। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो कुसुम। एक पंडित जी हैं, मैंने उनके बारे में बहुत सुना है, वो बहुत ही विद्वान पंडित जी हैं, वो जरूर इस चुड़ैल को मुक्ति दिला देंगे। भीमा और कुसुम पंडित जी के पास चले जाते हैं। भीमा उनके साथ रह रही चुड़ैल के बारे में सब बताता है। ये तो तुम दोनों एक नेक काम कर रहे हो, उस चुड़ैल को मुक्ति दिलाकर। पंडित जी, उस चुड़ैल ने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है उस चुड़ैल के लिए। उस चुड़ैल को जरूर मुक्ति मिलेगी। पंडित जी भीम और कुसुम से कहते हैं, मुझे तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा यज्ञ और हवन करना होगा। ये यज्ञ रात 12 बजे शुरू होगा। ये यज्ञ पूरी रात चलेगा। तुम कल यज्ञ और हवन की अच्छे से तैयारी कर लेना, मैं कल रात को तुम्हारे घर आऊँगा। रात होती है, भीम और कुसुम सारी तैयारी कर लेते हैं। तुम दोनों ने सही से हवन की तैयारी कर ली? जी पंडित जी, हमने सब तैयारी कर ली है। ठीक है, 12 भी बज चुके हैं, अब हमें यज्ञ शुरू कर देना चाहिए। पंडित जी यज्ञ शुरू कर देते हैं। मंत्रों का जाप होने लगता है, आहुतियाँ डलने लगती हैं, तभी अचानक कमरे की लाइट अपने आप जलने और बुझने लगती है। खिड़कियों की आवाजें आने लगती हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह पर चुपचाप बैठे रहो, कोई भी अपनी जगह से हिलना मत, ये सब चुड़ैल कर रही है। तभी अचानक कमरे में हो रहा सब ठीक हो जाता है और अचानक चुड़ैल सामने आती है। हे पंडित, तूने मुझे क्यों बुलाया? क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुझे इसलिए यहाँ बुलाया है कि तेरी मुक्ति हो सके। ये सब यज्ञ हवन भीमा और कुसुम करवा रहे हैं। तूने इन लोगों की बहुत मदद की है, ये चाहते हैं तुझे मुक्ति मिल जाए। ये सब सुन चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। मैं इतने वर्षों से भटक रही थी। तभी अचानक एक बिजली की रोशनी आती है और चुड़ैल उस बिजली की रोशनी में गायब हो जाती है।